यार ये मेरे मुंह को क्या हो गया, मेरी आवाज भी ऐसी आ रही है। अरे एक मिनट, ये तो गलत है यार। अगर ये बनू तो ठीक है, इसकी तो आवाज ठीक है, वापस बनू तो। अरे क्या हो गया भाई ये मेरे साथ, ये तो गलत चीज है। मेरे बैग वैग में कुछ है तो नहीं, ये कहाँ से आ रही है भाई, मेरे को सही में नहीं पता है क्या लग गया मेरे। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, ये मेरा कैरेक्टर है, बस मेरे ये पिक की नाक क्यों लग गई भाई, क्या लगा हुआ ऐसा, और मैं पिक की आवाज निकाल रहा हूँ भाई, ये गलत है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो आज मैं स्पेसशिप का जुगाड़ करने वाला हूँ, मतलब कि रॉकेट बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को स्पेस में जाना है। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। और एक चीज़ और मेरे भाई, ये रुकने का नाम नहीं ले रही, इसमें इतनी चीज़ें भर रही है, मैं तो इनमें भी डाल डाल के चीज़ें बना रहा हूँ। दो दो तो मैंने ये बना लिए जो कि मेल्ट करेगा, और भाई चीज़ें नहीं रुक पा रही मेरे पास। और इसमें देखूँ 22,000 तो मेरे पर रेडस्टोन है, 15,000 कोल, 11,000 आयरन, और 7,000 ये फालतू की चीज़ जो कि कभी यूज़ नहीं होने वाली। भाई भर भर के चीज़ें, सिल्वर देखो 3,000, 1,600 गोल्ड, ओ भाई 1,000 डायमंड, ओ भाई इतनी चीज़ें भर रही है। मेरे को एक डिस्कोर लगानी पड़ी इसमें, और मैं एक डिस्कोर बना सकता हूँ। नहीं बना सकता क्या? अरे मेरे पास सामान है नहीं है क्या यार? मुझे लग रहा है कि मैंने बना के तो रखे थे। हाँ है तो सही, अभी शायद से बन सकते हैं डिस्क। फटाफट से एक कवर बनाओ, डिस्क तैयार, क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा डिस्क रहेगी उतना ही फायदा है। अभी दो डिस्क तो भर चुकी है, अभी इतना स्पेस, ओ 49 ही है अभी भी, एक डिस्क और लगा के कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कुछ काम किए थे, मैं ऊपर चलता हूँ, और यहाँ पर मैंने एक और एलिवेटर लगा दिया बिल्कुल ऊपर, और इनको बिल्कुल आमने सामने लगाना पड़ता है तब ये काम करते हैं। जैसे ये करता है और फिर मैं स्पेस दबाऊंगा तो फिर यहाँ ऊपर आ जाऊँगा। ये वाला बनाऊंगा जहाँ पर मैं स्पेसशिप का काम करूँगा, और ये कंप्यूटर वम्प्यूटर का सिस्टम मैंने कर दिया यहाँ पर। ये देखो ये रिवायरिंग, सारी वायरिंग आ रही है, और यहाँ पर भी मैंने एक क्राफ्टिंग ग्रिड लगा रखे दो दो, पर ये अजीब सा लग रहा है, इसको ढकना पड़ेगा मेरे को। इसके लिए मेरे को एक टूल चाहिए, और ये वाले ब्लॉक कौन से थे भाई, मैं भूल गया, ये रहे ना ब्लॉक। ओके थोड़े से मैं ये बना लूँ, तो इसको लगाना पड़ेगा यहाँ, अरे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अभी सही है, थोड़े पाइप ढक जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। यहाँ से तो नहीं दिख रहा, ओ दोनों तरफ से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास चीज़ें हैं। अभी पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर पाइपिंग हो रखी है, थोड़ा सा ऊपर भी कर लो। अरे उड़ नहीं सकता मेरा, यहाँ से पीछे से भी ऐसे ही हो रहा था अजीब सा। हाँ ये रहा, ये सही में बहुत अजीब हो रहा है। ओके अभी पता नहीं चल रहा कुछ भी, यहाँ पर कुछ था कि नहीं। एक मेरे को बस ब्लैक के लिए बना दूँ, वो गलत लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी। मेरे को ये ऊपर लाना था, क्योंकि सारा काम मेरे को ऊपर ही करना, बार बार नीचे नहीं आने वाला मैं। और मुझे लग रहा है इस मशीन को भी बंद करना पड़ेगा, इसमें भी यार बहुत चल रही है मशीन। इसमें क्या आया हुआ है, वो खाली हो गई, और यार ये पिक की आवाज़ क्यों आ रही है मेरे प्लेयर में से आज? मैं अभी बना हुआ हूँ फिर भी पिक की आवाज़ आ रही है, क्या इसमें भी फेस ऐसा ही है क्या? नहीं यार ये तो ठीक है। ओ भाई पूरा एरिया इसने डर्ट में कन्वर्ट कर दिया है यार, देख रहे हो, सारा का सारा एरिया डर्ट में कन्वर्ट हो भी गया, तो सारा का सारा काम एनर्जी का। और हाँ यहाँ पर मैंने जो चीज़ें लगाई थी वो भी इसने डर्ट में कन्वर्ट कर दी थी, तो फिर मैंने ये लगा दिया बेसल्ट को इसमें डालने के लिए। अब इसमें जाती है बेसल्ट, और ये थोड़ा सा मेरे को ये भी दे देता है, लावा भी बना देता है, बेसल्ट से लावा बनता है, तो ये लावा भी भर देता है इसमें कभी कभी, पूरा फुल भी भर जाता है, तो तब भी काम करता रहता है फुल भरने के बाद। तो ये बेसल्ट वेसल्ट सब जा रहे हैं, और रेडस्टोन भी इसी में भर रहा हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है। अभी देखो इसमें कितनी सारी बेसल्ट वेसल्ट है। ओके सारी चीज़ें निकल के चली गई है इसमें से, और मुझे लग रहा है कि मशीन अभी काम नहीं करने वाली, क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पर तो सारा एरिया इसने कर दिया है, और इधर, ओ भाई ये तो सारा ही कर दिया है बिल्कुल, कुछ भी नहीं छोड़ा। अरे भाई भाई अब मुझे लग रहा है मशीन कहीं और शिफ्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से तो इसने सब कुछ कर दिया। वैसे ज़रूरत नहीं है, मैंने एक नेदर में भी लगा रखी है ऐसी मशीन, और वहाँ से मेरे को क्वार्ट्ज वर्ड्स मिल जाते हैं, पर मेरे को जाना पड़ता है थोड़ी देर के लिए वहाँ पर भी। तो ये तो हो गया काम, अब फटाफट से बना लेते अपने स्पेसशिप, और आज का पार्ट उसी में जाने वाला है, क्योंकि आज मैं मून पर जा नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें बनानी है, तो इतनी चीज़ें नहीं बनानी जितनी ये लिस्ट में डाल रखे। एक मिनट ये डिस्क को तो हटाओ, और ये भी हटाओ, इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं इनको दिखाना चाहता था पर टाइम नहीं मिला मेरे को। तो ये चीज़ें नहीं बनानी मेरे को, और भी चीज़ें बनानी है, रॉकेट भी बनाना है, रॉकेट, हाँ ये रहा, तो टायर 1, यार ये अलग अलग तरह के रॉकेट होते हैं इसमें, तो मेरे को लेवल 1 का ही बनाना है। अगर मैं एम दबाता हूँ तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ग्रह तो आ जाएंगे, जो रेड वाले हैं ना इन पर शायद से नहीं जा सकता मैं, लेकिन जो ग्रीन वाले इन पे मैं जा सकता हूँ। अभी जैसे देखो मैं मार्स पे क्लिक करता हूँ, इस पर लिख रहा आ रहा है टायर 2, अच्छा तो टायर 2 का रॉकेट चाहिए मेरे को,
और इस पे जाने के लिए टायर 3, ठीक है। अगर मैं मून पे जाऊंगा तो मून के लिए सिर्फ मेरे को चाहिए टायर 1, ठीक है। टायर 1 ही बनाएंगे अभी तो, मून के लिए तो चाहिए, फिर आप बाद में अपडेट कर लेंगे। तो मेरे को ये भी बनाना है और साथ में मेरे को ये भी बनाना है जो मैं अपना पहन के जाऊंगा, ऑक्सीजन मास्क वगैरह सब कुछ बनाना पड़ेगा। पहले तो इस स्पेसशिप की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए पहले मेरे को एक बनाना पड़ेगा कंप्रेसर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो कंप्रेसर बनाने के लिए पहले मेरे को ये बन अच्छा पहले मेरे को सर्किट फैब्रिकेटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, सर्किट फैब्रिकेटर बना लेते हैं। फिर इसके लिए ये चाहिए जो कि बहुत आसान है इसको बनाना। और क्या चाहिए? और तो सब कुछ है, सब कुछ नहीं है, क्या रह गया? अच्छा, बटन नहीं है, ये लो भाई बटन भी है। सर्किट फैब्रिकेटर, ओके, एक सर्किट फैब्रिकेटर, ठीक है। मेरे को एक काम और करना था। खुल क्यों नहीं रही है भाई? इसका नाम क्या है? पावर सेल। हाँ, तो मेरे को बढ़िया वाला पावर सेल बनाना है। ये नहीं है बढ़िया वाला, ये वाला। तो इसके लिए तो बस यही चाहिए होते हैं। ये तो बहुत आसान है मेरे पास, ये भर भर के 600-700 के आसपास, और 1000 के आसपास डायमंड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बनाना है, और एक मिनट, ये बनाना है, और एक मेरे को ये बनाना है। ये आ गया, और एक ये बना लेते हैं। ओ भाई, मैंने खाली यही बनाया है तो अभी। ओके, पावर सेल आ गया। और एक कार्ड, कार्ड है मेरे पास? नहीं है। तो मेरे पास 2 पावर सेल हो गए। एक पावर सेल और था, ये रहा एडवांस पावर सेल। तो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ इसको नीचे फिट करने की, अगर हो जाएगा तो। ही मेरे को ये वाला पावर सेल हटाना पड़ेगा और देखते हैं इसमें लिंक 1 आएगा कि नहीं। ये लिंक 1 कार्ड है, और ये हटाते हैं, नया वाला लगाते हैं। इसमें एनर्जी है, इस वाले में एनर्जी है, इसको रखते हैं। इसमें शायद से लिंक 4 का कार्ड है, तो लिंक 1 लगा दूंगा मैं इसमें। ओके, इसे करते हैं इनपुट। अभी शायद से समझ आ रही होगी एनर्जी। तो लिंक 4 का कार्ड, यार इसको वापस से ठीक कैसे करते हैं? अरे ठीक करने की जरूरत नहीं है, लिंक 4 को लिंक 1 में रखो, अपने आप ही हो जाएगा लिंक 1। वैसे इतनी तगड़ी एनर्जी भेजने की जरूरत नहीं है उसमें। क्या हुआ था भाई? पर फिर भी हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़े से मेरे को पावर कॉन्डूट, अरे कॉन्डूट चाहिए मेरे को, एनर्जी कॉन्डूट चाहिए होंगे। तो इसको रखते हैं, कहाँ रखे भाई, सब जगह ऐसी है, यहाँ रखते हैं इसको हटा के। ओके, तो इसमें एनर्जी भेजने का एक ही सोर्स होता है, इस तरफ से, साइड से। तो ओ, मैंने पावर सेल रख दिया। अरे भाई, बहुत जल्दी कर रहा हूँ मैं, यही था ना पावर एडवांस वाला। तो पावर सेल रखना है, शायद से इसमें एनर्जी आ जाएगी। पहले कार्ड तो रख दूँ, लिंक 1 का कार्ड रखना है, और इसे करना आउट। एनर्जी आ रही है, ओके। ये साइड में ही रखना पड़ता है इसके, और दूसरी जगह से पावर ले नहीं पाता। तो एनर्जी आ रही है, और उसकी रेसिपी देख लूँ मैं, क्या था वो? मेरे को बनाना था कंप्रेसर बनाना था, इलेक्ट्रिक कंप्रेसर भी बना सकते हैं, पर इसके लिए कंप्रेसर चाहिए हमें। नहीं यार, हम बना सकते हैं। अरे नहीं, ये कंप्रेसर से ही होएगा सब कुछ, ठीक है। पहले कंप्रेसर बना लेते हैं। ये बनाना, रेडस्टोन चाहिए, सिलिकॉन चाहिए, डायमंड, रेडस्टोन। ये भी बड़ी आसानी से बन जाएगा एक कंप्रेसर, क्योंकि कंप्रेसर के बिना काम ही नहीं होने वाला इसमें से कुछ भी। मेरे को ये भी बनाना पड़ेगा, नासा वर्क बेंच, इसी से बनेगा ये रॉकेट। ओके, 3 आते एक से। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बना लेते हैं कंप्रेसर, बनाना आसान है, ये आ गया कंप्रेसर। तो मैं एक काम करता हूँ, इलेक्ट्रिक कंप्रेसर बना ले, नहीं बना सकते इसके लिए। अच्छा, ये चाहिए ना, पहले कंप्रेस करनी पड़ेगी मेरे को चीज़ें। ओके, अपना इसी से काम चलाते हैं फिर। अभी इसमें भी एनर्जी भरनी पड़ेगी, अगर मैं इसको ऊपर लगा दूँ तो इसमें पाइपिंग कहाँ है भाई? एनर्जी की ज़रूरत है कि नहीं इसमें? इसमें फ्यूल के लिए बता रखा है कि इसमें फ्यूल डलेगा। अच्छा, तो समझ गया मैं क्या है, ये फ्यूल से काम करेगा, तब हम इलेक्ट्रिक कंप्रेसर पे जा सकते हैं जो बिजली से चलेगा। ठीक है, हमारे पास कोल भी बहुत है, तो इलेक्ट्रिक कंप्रेसर ही बना लेते हैं फिर सबसे पहले, क्योंकि मेरे को ये बनाना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को स्टील चाहिए, 2 स्टील इंगट, और स्टील इंगट बनाना भाई बहुत ईजी है। अभी जो मेरे पास वो नीचे बुक रखी है ना, मैं दिखाता हूँ, ये वाली रखी है मेरे पास, जो कि एक रिसर्च बुक है, इसमें एक अनलॉक करना पड़ता है, तो ढूंढ लेना। वो ऐसे रखोगे स्टील बन जाती है, बस ये कोल रखो और आयरन रखो और स्टील बन जाती है, बहुत इजी है स्टील बनाना। तो ये आ गई, और इसको रखते हैं इसके अंदर। तो ऐसे रखना है, और ये फ्यूल, और क्या क्या चाहिए? एक ये चाहिए, टिन चाहिए मेरे को। ओके, मेरे को लग रहा है मेरे को एक कंप्रेसर और बनाना ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारा काम होने वाला है। तो और तो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना इलेक्ट्रिक कंप्रेसर के लिए, ये चाहिए मेरे को एडवांस। अच्छा, इसके लिए रेडिस्टोन रिपीटर चाहिए, एक सिलिकॉन चाहिए, इसको डालते हैं इसके अंदर। ओ, सब कुछ डला हुआ है इसमें, ये तो निकालो, ये
शायद से मैंने सिलिकॉन कम ले लिया था। अच्छा 2 डले। अरे भाई भाई चलना नहीं। अच्छा अभी नहीं चल रही, मैंने ना सिलिकॉन कम ले लिए थे तभी इसमें चली नहीं थी ये। ओके अभी चलेगी। ओके ये भी आ गया। और अब बना लेते हैं इलेक्ट्रिक कंप्रेसर। इसके लिए अगर मैं ये बना लूँ तो फिर मेरे को कंप्रेसर नहीं बनाना पड़ेगा। ब्रोंज इनगट, मेरे पास ब्रोंज होएगी। ओ भाई मैंने बहुत बना रखी है ब्रोंज, ऐसा नहीं है, पहले से ही बना के रख रखी है मैंने चीज़ें। तो इसमें डालते हैं, इसमें बहुत बन लिया अभी सामान, तो चीज़ों की कोई कमी नहीं है, फटाफट चीज़ें बन जाएगी। ये भी आ गया, अभी बना लेता हूँ इलेक्ट्रिक कंप्रेसर। क्या रह गया भाई, एक मिनट, मैंने गलत रेसिपी ली है, ये लेनी है मेरे को। ओके इलेक्ट्रिक कंप्रेसर आ गया, इसको रखते हैं यहाँ पर। इसका भी पाइप ऐसे ही जाएगा टेढ़ा। मैं काम करता हूँ, इसको ऊपर रखते हैं, उठा ले भाई। हाँ तो मेरे को यहाँ पर कॉन्ड्यूट लगाना है ताकि इसके अंदर पावर जा सके। ओके अभी मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक का आ गया, अभी मेरे को कोल नहीं डालने पड़ेंगे। ठीक है अभी हमारे पास दोनों चीज़ें हो गई, कंप्रेसर हो गया, ये हो गया, सर्किट हो गया, हटाओ इनको। अभी मेरे को फ्यूल लोडर और रिफाइनरी, हाँ रिफाइनरी बनाना था मेरे को। अगर मैं रॉकेट, ये देखूँ नासा वर्क बेंच, इसको मैं बना सकता हूँ अभी भी? ओ भाई एक मिनट, मैं बना सकता हूँ क्या? शायद से मैंने चीज़ें तो बना ली है। अरे ये नहीं, ये रहा, शायद से ये रह गई है। ठीक है ये टेबल भी बहुत सारे बना के डाल दो, इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो नासा वर्क बेंच बनाने के लिए मेरे को बस एक ये चाहिए, तो नासा वर्क बेंच आ जाएगा। और मेरे को चाहिए एक रिफाइनरी चाहिए, इससे भी चीज़ें बनती है बहुत सारी। रिफाइनरी के लिए मेरे को ये चाहिए पहले कॉपर। ओके बन गया ये तो। और रिफाइनरी कहाँ पर है, ये रही रिफाइनरी, भी आ गया, इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। तो रिफाइनरी को लगाते हैं, थोड़ा ऊपर लगाना पड़ेगा और, क्योंकि मेरे को एनर्जी भरनी पड़ेगी ना। ओके रिफाइनरी ये है। अच्छा रिफाइनरी यहाँ नहीं लगेगा ना, इसको तो मेरे को अलग जगह लगाना पड़ेगा। तो रिफाइनरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तेल को फ्यूल में बदलता है, अभी मेरे पास तेल ही नहीं है। तेल लाएंगे, पहले मैं ये तो कर लूँ। मेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए। और ये आ गया हमारे पास नासा वर्क बेंच, जहाँ पर हम बनाएंगे अपनी चीज़ें। इसको कोने में नहीं लगा सकता, ओके यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारी बनेगी स्पेसशिप, ये हमारा स्पेसशिप कहा गया। वैसे इलेक्ट्रिक कंप्रेसर से तो बढ़िया मेरे को ये वाला लग रहा है यार, अभी तो 4 कोल ही खर्च हुए हैं और एक स्टैक कर भी दिया इसने काम। तो ठीक है तब तक हम दूसरी चीज़ें बना लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कलेक्टर। और इसके लिए मेरे को ये पंखा बनाना पड़ेगा, हाँ बना सकते हैं। ये आ गया ऑक्सीजन फैन। और क्या क्या, ऑक्सीजन कंप्रेसर भी बनाना था मेरे को, पहले कलेक्टर तो बना लूँ। तो एक ये बनानी पड़ेगी अजीब सी चीज़, जिसके लिए हमारे पास सामान नहीं है और कोई नहीं आ सकता है। अच्छा ये चीज़ें रह गई, क्या ये? अच्छा एल्यूमिनियम चाहिए, देख रहे हो 512 लेके बैठा हुआ हूँ मैं। इसको तो इस वाले में डालते, स्पीड का पता चलेगा। ओ दो दो बनाता है, अच्छा तो इसमें तो एक बनती है, दो दो बनाता है एक साथ। ये फ़ायदा है इसका। तो कोई नहीं ऑक्सीजन कलेक्टर बनाते हैं अपना। अरे एक चीज़ रह गई, ये नहीं बनाया मैंने अभी तक। ऑक्सीजन कलेक्टर आ गया, इसको रखते हैं यार, जगह ही नहीं बची बिल्कुल भी। ओके तो इसे पहले पावर चाहिए होगी यार, पावर। और इसे को इस तरीके से रखना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं वो भी लगा सकूँ जिसमें ऑक्सीजन कंप्रेस होएगी। तो सबसे पहले मेरे को ऑक्सीजन चाहिए होगी, तेल का तो अभी देखेंगे, पहले ऑक्सीजन का कर लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए मेरे को ये बनाने पड़ेंगे पहले टैंक, ठीक है, इनमें ऑक्सीजन जाएगी हमारी जो कि मैं लेके जाऊंगा। और एक दो टैंक बना लेते हैं अगर बन जाते हैं तो। ये चाहिए होगी मेरे को, कोई कमी नहीं है। टैंक बना लेते हैं, एक टैंक, दो टैंक, क्योंकि दो ही टैंक लगते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2 टैंक लगेंगे ऐसे करके, ये हमारे वो ऑक्सीजन के टैंक हो गए। लेकिन ऑक्सीजन कलेक्टर का काम होता है ऑक्सीजन कलेक्ट करना, इसलिए मेरे को एक कंप्रेसर बनाना पड़ेगा, ऑक्सीजन कंप्रेसर, जो कि कंप्रेस करके इनके अंदर ऑक्सीजन भरेगा, ठीक है, वो बनाना पड़े। अरे खुल जा भाई। तो ऑक्सीजन कंप्रेसर कलेक्टर तो बना लिया, इसको हटाओ, ये भी हटाओ, वर्क बेंच। ऑक्सीजन कंप्रेसर बना लेते हैं, इसके लिए ये चाहिए। अरे यार बहुत कुछ चीज़ें चाहिए मेरे को, स्टील चाहिए, ये भी बहुत सारी बन गई है, इसको निकालो, ये यहाँ रखो, ये यहाँ, इनको भी कंप्रेस करते हैं। तो तब तक छोटी मोटी चीज़ बना सकते हैं। ये तो शायद से कंप्रेस ब्रोंज तो होगी मेरे पास, तो ऑक्सीजन कंप्रेसर के लिए बस एक ही चीज़ चाहिए, ये बीच वाली चीज़। और इसके लिए प्लेट्स चाहिए होगी, प्लेट्स के लिए सामान नहीं है क्या भाई? मेरे को लग रहा है ना मेरे को ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ेगी। ये वाली, ये क्या है, टिन है। ओके टिन तो मैं कर लेता हूँ यार, 2 स्टैक,
तो ऑक्सीजन भरने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा। ये तो कलेक्टर है, कलेक्टर को तो चला दूँ पहले। मैं कलेक्टर को चलाऊँ कहाँ, यहाँ पर चलाते फिर एनर्जी लेनी पड़ेगी। ओके यहाँ चलाते हैं, यहाँ से लगाते हैं थोड़े से ऊपर से ले जाके यहाँ से, और ये ठीक है हो जाएगा यार, इतना चलता है। वैसे मेरे को बीच का हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी तो जुड़ा हुआ है ना तार। ठीक है एनर्जी आ रही है और ये शायद से कलेक्ट कर रहा है। हाँ दिख रहा है ये कलेक्ट कर रहा है। बस मेरे को फिर कंप्रेसर बनाना पड़ेगा। और एक कुछ हुआ बंद कर ये चीज़ें, तो ऑक्सीजन कंप्रेसर के लिए मेरे को ये बनाने पड़ेंगे दो, और एक मेरे को ये चीज़ बनानी पड़ेगी। अभी बन सकता है, हाँ बन सकता है। तो ये ऑक्सीजन कंप्रेस करेगा, इसको रखना पड़ेगा इस साइड में जिस तरफ ये वाला फेस है इसका, यहाँ रखना है। और इसमें एनर्जी नहीं आ रही यार, क्या इसमें भी एनर्जी देनी ओ इस तरफ से एनर्जी देनी पड़ती है इसको। ओके नहीं देनी पड़ती, ओके एक तरफ से एनर्जी एक तरफ से भरेगी। इसका मतलब मैंने गलत लगाया था, ये मेरे को इस तरीके से लगाना है ताकि इसके साथ अटैच हो सके ऐसे। नहीं यार अभी भी नहीं हुआ, मेरे को अपना घर थोड़ा तोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे को उल्टा करके लगाना पड़ेगा इसको। अरे यार घुसने का रास्ता नहीं, यहाँ से लगाना पड़ेगा मेरे को शायद। अभी शायद से इसमें कनेक्टिविटी हो जाएगी। हाँ तो ये करनी पड़ती है चीज़ें भाई, अगर ऐसे ना हो तो फिर उल्टा करके करना ही पड़ता है जुगाड़। ओके अभी शायद से हाँ अभी आ रही है ना, इसमें एनर्जी भी आ गई और ऑक्सीजन भी आ गई। तो बस मेरे को सिलेंडर रखना पड़ेगा, अभी भर रहा है ना तो अभी भरता रहेगा। यहाँ से तो ऑक्सीजन कलेक्ट होगी, इसके अंदर भरती जाएगी, थोड़ी देर में भर जाएगा। तो हमारे दो काम हो चुके हैं, अभी मेरा तीसरा काम है फ्यूल को कलेक्ट करना। इसको हटाओ, तो सबसे पहले मेरे को फ्यूल लोडर और रिफाइनरी दोनों चीज़ें चाहिए होगी। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं फ्यूल इकट्ठा कर लेता हूँ। तो उसके लिए मेरे को टैंक चाहिए होगा एक, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। बैकपैक टैंक, ओके मैं ये वाला बना लेता हूँ, ये फ्लूट टैंक। मैं इनमें भी कलेक्ट कर सकता हूँ, जो कि ये वाले फ्लूट टैंक है इनमें भी हो सकता है कलेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं एक बार ये देख लेता हूँ बना के कि इसमें स्पेस कितना होता है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे को एक चाहिए बिल्डर चाहिए, तो चलते फ्यूल व्यूल भरते। और इसमें कितनी हुई, ओ ये ऑक्सीजन भर गई, इसको भी भर लेते हैं ऑक्सीजन। तो फ्यूल के लिए मैं दो तीन चीज़ें ले जा रहा हूँ। एक बिल्डर, इसके अंदर कार्ड पहले से ही डला हुआ है, बता दूँगा कौन सा कार्ड है, जो कि मैंने लावा इकट्ठा करता था वही सेम कार्ड है। लीवर है और पावर सेल है क्योंकि मेरे को एनर्जी चाहिए। और मेरे पास एक फ्लूट टैंक है, अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई है फ्यूल व्यूल। मेरे को लग रहा है ना यहाँ आसपास कोई फ्यूल है ही नहीं। ओ है मिला सामने है, थोड़ा सा तो है। तो ये फ्यूल चाहिए मेरे को, तो पहले मेरे को बिल्डर रखना पड़ेगा, इसका सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसके अंदर है ये वाला शेप कार्ड जो कि है पंप का कार्ड। तो ये बहुत सारे अलग अलग कार्ड होते हैं जो कि कुछ तो फिल करते हैं, ये पंप है जो कि लेता है। तो इसको सेट करता हूँ, यहाँ का एरिया चाहिए मेरे को और इतना एरिया ले ले ये, यहाँ से जाके पूरा इतना एरिया ले ले, यहाँ तक का कवर कर लेगा शायद से, इतने में होगा फ्यूल। तो इस कार्ड को डालते हैं इसके अंदर, अभी चेक करते कितना एरिया है। ओके मैं कर देता हूँ इसको 10 और -5 शायद से ऊपर भी रहेगा। हाँ बिल्कुल सही पोजीशन है, ठीक है। इसमें रखना पड़ेगा एक पावर सेल ताकि इसके अंदर एनर्जी जाए, एनर्जी बिल्कुल फुल है। और ऊपर रखते एक टैंक ताकि इसमें इकट्ठा होए। और शायद से कुछ सेट वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना होता, बस ये लगाओ चलाओ। ओ भाई भर गया, क्या स्पीड से भरा है भाई। मेरे को तो वो टैंक बनाने चाहिए थे यार, दो तीन टैंक यहाँ से ही भर लूँ। मुझे लग रहा है कि दो तीन टैंक में ही वो काम हो जाएगा मेरा, ज़्यादा तो चाहिए नहीं। अच्छा इसमें 16 का साइज है, तो शायद से उसका भी ओ अरे तोड़ नहीं सकता था मैं इसको, मेरे को पता नहीं था ये लेते कैसे है। वैसे तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, क्या सिल्टा से तोड़ना पड़ेगा। अरे यार ये तो गलत चीटिंग है यार, मैं अपना ये वाला भर लेता हूँ, इसमें से तो आएगा। ओके पूरा फुल भी भर गया, इसको तोड़ तो सकता हूँ मैं कम से कम, वो तो पता नहीं यार टूट ही नहीं रहा है। तो तेल आ गया और मेरे को चाहिए रिफाइनरी, वो बनाया था मैंने थोड़ी देर पहले, इसमें भी एनर्जी लगती है। तो इसको मेरे को रखने के लिए चंगा देखनी पड़ेगी, यहाँ रखता हूँ मैं इसको, यहाँ पे रखूँगा। तो यहाँ रिफाइनरी हो जाएगी, इसमें से एनर्जी जाएगी इस तरफ से और इस तरफ से निकलेगा फ्लूड। नहीं नहीं ऐसे नहीं है, शायद से एनर्जी ऊपर से जाएगी। हाँ वही तो, इसमें अजीब होती है सब चीज़। तो पहले तो इसमें एनर्जी भरते हैं, ऊपर से थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी, ये आ गई एनर्जी। और इधर से मेरे को डालना पड़ेगा इसमें फ्लूड, मतलब फ्लूड नहीं मेरे को तेल डालना पड़ेगा, ऑयल। और तेल आया, ये तो 0% बता रहा है तेल। क्या मेरे को सेट वेट करना पड़ेगा क्या कुछ, यहाँ से पुश कर देते हैं शायद से अब जाना शुरू होगा। हाँ पुश से अभी जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर बनेगा फ्यूल, और फ्यूल को मेरे को इकट्ठा करना पड़ेगा। अभी फ्यूल कैसे इकट्ठा करते हैं यार, यार इनमें तो करते हैं पर यार ये टूटते कैसे हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जो टैंक है वो यूज़ कर लूँ मैं। इसको रखना है मेरे को दूसरी साइड ताकि इसमें जाए, भर नहीं रहा तो इसको मेरे को करना पड़ेगा पुल इधर से। ये कौन सी लोकेशन बता रहा, अच्छा इधर से तो है, मैंने ऊपर से किया हुआ है पुल। इसको करते हैं नन और इधर से करते हैं पुल। ओके अब इसमें फ्यूल आ रहा है बनके, तो ये फ्यूल काम आता है इसके अंदर भरने में, जो कि हमारे, अरे इसके अंदर नहीं, हमारे रॉकेट में भरने के लिए काम आता है। तो ये फ्यूल भर जाएगा थोड़े टाइम बाद, जितना भी इसमें ऑयल रहेगा, ऑयल का फ्यूल बनेगा वो भर जाएगा यहाँ पर। ठीक है फ्यूल भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गई, दोनों ऑक्सीजन के टैंक हो गए हमारे तैयार। और अब हम बना लेते हैं अपनी दूसरी चीज़ें, रॉकेट में लास्ट में बनाऊंगा, पहले मेरे को ये चीज़ें बनानी पड़ेगी सारी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और मेरे को ढूंढनी पड़ेगी कौन कौन सी चीज़ें हैं। ओके ये पांचों की पांचों चीज़ें सिलेक्ट कर ली जो इसके अंदर आएगी, नीचे तो सेल आएंगे हमारे, बस ये पांचों की पांचों चीज़ें बनानी है, तो एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा पैराशूट, क्योंकि पैराशूट तो चाहिए चाहिए, और इसको बनाने के लिए हमें, हमारे पास सब कुछ है, एक मिनट यही तो चाहिए, रोल तीन रोल लगेंगे और एक ये पैराशूट। अरे क्या दिक्कत है यार, ये आ गया पैराशूट, और इसको कलर भी दे सकते हैं हम, हमारे पास डाई है कुछ, ओके डाई है, हम इसको ब्लैक, अरे एक मिनट, तो इसको ब्लैक पैराशूट बनाएंगे। ओके एक आ गया हमारे पास पैराशूट, और ये काम आता है जब भी हम मून पे उतरते हैं तो वहाँ पर आराम आराम से उतरते हैं, तो उसके लिए आता है। और दूसरा है ऑक्सीजन गियर, तो ये बनाना पड़ेगा मेरे को, इसके लिए ये बनाने पड़ेंगे मेरे को। और ऑक्सीजन गियर के लिए पहले एक ये, यार ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास सामान हो ना तो आप बड़े आसानी से बना सकते हो। ऑक्सीजन गियर आ गया, और एक ये चाहिए, और इसको बनाना अभी मुश्किल नहीं है, इसके लिए बस एक ये चाहिए और अभी बना सकते हैं। अरे क्या रह गया, अच्छा ये रह गई है, आयरन को मैंने कंप्रेस नहीं किया, ठीक है यार आयरन को करना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी कर देता हूँ। ये लो भाई, तो ये भी आ गया हमारे पास तीसरी चीज़। और अब बनानी है हमें एक शील्ड कंट्रोलर, ये क्या काम आती है, अच्छा डैमेज वैमेज होने से बताती है चीज़ों को, ये बनती कैसे, और रेसिपी क्या दिक्कत है भाई, इसकी रेसिपी नहीं आ रही, अरे ये तो अलग ही है, शायद से इसकी रेसिपी कहीं और आएगी क्या। तो सबसे पहले हम एक ये भी बना लेते हैं, मास्क बनाना होगा हमें ऑक्सीजन मास्क, और ये ऑक्सीजन मास्क भी आ गया। अब बना सकता हूँ यार ये शील्ड कंट्रोलर क्यों नहीं बना सकता मैं, हमने सब कुछ काम कर लिया बस ये शील्ड कंट्रोलर रह गया है, अब यही बनाना है कि कुछ और बनाना है। एक मिनट यार इसकी रेसिपी नहीं बता रखी, क्या करूँ मैं। तो अभी रॉकेट बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए इतने सारे सामान चाहिए, एक तो पहले मेरे को नोज़ कोन चाहिए, अरे इसके लिए ये चाहिए बहुत सारे, ओ भाई बहुत कुछ चाहिए इसके लिए, ये चाहिए मेरे को, ओके कंप्रेसर में मिलानी पड़ेगी मेरे को तीनों चीज़ें, पर ब्रोंज नहीं है, ब्रोंज बनानी पड़ेगी मेरे को थोड़े से, अभी चीज़ें आ रही है बहुत सारी चाहिए। अच्छा टायर वन के लिए है, ठीक है हमारे टायर वन रॉकेट के लिए है, कोई दिक्कत नहीं यार। तो 18 तो बना लिए मैंने, शायद से इतने में काम चल जाएगा, और फटाफट से इसकी चीज़ें बना ले जाए। पहले तो ये नाक बनानी पड़ेगी, और ये नीचे के पार्ट, ये टोटल 8 बनाने पड़ेंगे मेरे को, ओ एक मिनट 8 नहीं बनानी, 4 बनानी है, अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ। ठीक है 4 आ गई, और मेरे को चाहिए अभी एक पीच का पार्ट, इसके लिए बस ये थोड़ी सी और चाहिए होगी। ओके काम हो गया, फटाफट से बनाते बीच का पार्ट। तो ये भी आ गया, अभी बना सकते हैं इसके अंदर रॉकेट। ओके तो अपना रॉकेट बनाने वाला है एक, और ये रखना है मेरे को ये ऐसे करके, और ये ऊपर, अरे प्लेट चाहिए अभी, प्लेट तो अभी यहाँ से बनेगी ना, टोटल कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट चाहिए, बस एक प्लेट और आ जाए काम हो जाएगा। ओके हो गया काम हमारा, और फटाफट से रॉकेट बनाते हैं, ऐसे रेसिपी नहीं देख सकते, ठीक है ये रखो, और ये शायद से इन वाले में ना चेस्ट वगैरह रखते हैं ताकि हम सामान भी ले जा सके, पर हमें इतना नहीं चाहिए भाई, सिंपल बन जाए बहुत है। ओके तो भाई आखिरकार हमारे पास एक रॉकेट भी आ गया खुद का, और अभी देखता हूँ इसकी रेसिपी, यार ये कैसे खुलेगा शील्ड कंट्रोलर, ये मेरे को डैमेज से रोकता है पर ये खुलती कैसे है, अब इसके अंदर लगाऊंगा क्या मैं, चलो कोई नहीं ये लगा के तो देखे कैसे लगेंगे। अरे एक मिनट रूप बदल लूँ पहले मैं, सामने से देखते हैं, बस ये पिग वाली नाक क्यों जुड़ गई यार मेरे साथ। तो पैराशूट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक मिनट अपना हेलमेट उतारूँ, मेरे को ये पहनाना पड़ेगा अपने फेस पे, ओ भाई अभी लग रहा हूँ ना पूरा मैं गैलेक्सी वाला एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ठीक है ये हो गया, और ये पहनाना है इसको,
जो कि एक मॉड्यूल, ओ इसके ऊपर एक सैटेलाइट आ जाएगी, ठीक है, देख रहे हो। तो ये सैटेलाइट है जो कि नेटवर्किंग से जोड़ के रखेगी हमें। और क्या क्या पहनाना था, मेरे को ये गैस सिलेंडर पहनाने थे ऑक्सीजन के, ताकि ऑक्सीजन मिल सके। अब मेरे को बस ये शील्ड पहनानी है, अभी यही है कि कौन सी है यार। और हाँ, मेरे को एक चीज़ और बनानी थी, मेरे को लॉन्च पैड भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसी पे लॉन्च होती है हमारी स्पेसशिप, और ये बनाना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, ये मेरे पास है आयरन के ब्लॉक। यार ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मेरे पास आयरन के ब्लॉक ना हो। आयरन के ब्लॉक तो मेरे पास भर भर के आने चाहिए भाई, इतने आयरन है मेरे पास। ओ कितने स्टैक बना रहा हूँ भाई मैं फालतू में। ठीक है, हमारे पास ये आ गई, बस मेरे को नोई चाहिए, ज़्यादा नहीं। अभी शायद से खुल जानी, अरे ये क्यों नहीं खुल रहा, पता नहीं क्या लगेगा इसकी जगह। देखना पड़ेगा मेरे को फिर से। मैं सोच रहा हूँ अपने यहाँ घर के यहाँ सामने रख दूँ, क्योंकि इस पोर्टल को तो मैं हटाऊँगा। तो करना क्या होता है, ऐसे ही रखने पड़ते ये, ऐसे ये अपने आप ही ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर रॉकेट। ओ भाई ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है। ओ भाई मेरे को पहले सोना पड़ेगा थोड़ा सा, तो अभी रखते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ रॉकेट आ जाएगा हमारा, और शायद से अभी खुल सकता है, नहीं खुल सकता। ओके रॉकेट है जिसमें बैठ सकता हूँ ऐसे करके। ओ काउंटिंग आती है, इसमें फ्यूल तो है नहीं। मैं स्पेस दबाऊँ, हाँ स्पेस से लॉन्च होती है, पर फ्यूल नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें पेट्रोल भरते हैं अभी, जो कि हमने फ्यूल बनाया था। और फ्यूल कहाँ बनाया था, ऊपर ही तो बनाया था। अरे अभी मशीन चल रही है क्या यार, कौन सी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही है। अच्छा ये चल रही है, तो नाइट विजन भी पहन लूँ मैं थोड़ा। और ये काम हो गया, अभी हम भरते हैं फ्यूल। ये रहा हमारे पास फ्यूल। और मेरे को एक चीज़ बनानी थी, ये तो इन चीज़ों को तो हटा दो, इनकी जरूरत नहीं। इसको लगा के रखूँगा शायद से, पता नहीं कैसे बने जाए। तो मेरे को ये फ्यूल लोडर अपनी स्पेसशिप में फ्यूल भरने के लिए, और इसके लिए बस मेरे को ये बनाना पड़ेगा, कॉपर इनगट को कंप्रेस करना पड़ेगा। ओके फटाफट से आ जा भाई। ओके ये भी काम हो गया हमारा, ये भी आ गया एक लोडर। और शायद से इसमें वो डालने की ज़रूरत होगी, लीवर वगैरह लगाने की ज़रूरत हो सकती है। अरे एक मिनट, इसमें एनर्जी का दिया हुआ है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक मैं वो ले लेता हूँ, पावर सेल। छोटे वाला पावर सेल नहीं है क्या, कोई नहीं हमारे पास ये है। इसमें मैंने लेवल वन का कार्ड डाल, मतलब लेवल वन नहीं, लिंक वन के कार्ड पहले से डाल रखे मैंने। तो अपना ये लेते हैं और नीचे चलते हैं अभी। तो पेट्रोल भरने के लिए कुछ नहीं करना होता, सिंपल है, हमें चाहिए फ्यूल लोडर। ऐसे रखो फ्यूल लोडर। और एनर्जी किस तरफ से है, यहाँ ग्रीन कलर की तरफ से एनर्जी है। और इसमें से कौन से वाला था वन लेवल का, मैंने दो दो रख रखे है शायद से, यही है। अच्छा दोनों ही वन लेवल के हैं, ठीक है। तो ये आ गई इसमें एनर्जी, और अब मेरे को इसमें रखना पड़ेगा फ्यूल लोडर। फ्यूल लोडर नहीं, जिसमें मेरे पास फ्यूल है वो रखना है ऐसे। तो इसमें पता चल रहा है क्या, मेरे को कुछ और करना पड़ेगा। ओ एक मिनट, ओके स्पेसशिप की इन्वेंट्री मैंने सेट नहीं की हुई है, तभी तो दिक्कत है। इसको सेट करते हैं हम, ओ पे सेट कर देते हैं। ओ पे शायद से कुछ चीज़ तो नहीं होगी। ओके अभी दिख रही है, किस से थी वो, ओ से। 0% फ्यूल अभी, ठीक है। इसमें से उतरो, इसका मतलब ये भर नहीं रही है। एक मिनट एक मिनट, एक चीज़ तो मैंने करी नहीं। यहाँ से अगर मैं सेटिंग देखूँ इसकी, वो ये वाइट कंक्रीट क्यों भर के रख रखे हैं मैंने इसमें। अच्छा मैं इसमें से पानी भर के कर रहा था ना, तो तब के रखे है। तो यहाँ से मेरे को करना पड़ेगा पुश, तो इसमें जाएगा। हाँ अभी ये जा रहा है, और शायद से इसमें पेट्रोल भी आएगा अभी। अभी मेरे को दबाना है, ओ हाँ अभी पूरा टैंक भर जाएगा इसका। ओके तो अब मैं जा सकता हूँ अपने मून वून पे, जो कि मैं अगले पार्ट में जाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो जाने वाला हूँ नहीं। और मेरा फ्यूल भी तैयार है भरने के लिए, और सब कुछ तैयार है, स्पेसशिप वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया है। तो अगले पार्ट में जाएंगे अपने स्पेसशिप में, और मून पे जाएंगे सीधे, देखेंगे वहाँ पर क्या क्या मिल सकता है। बाकी तो मेरी खुद की तैयारी हो चुकी है भाई, पूरा लग रहा हूँ मैं भी एस्ट्रोनॉट, ये देखो। पर ये पिक की शकल क्यों है यार। तो आज वीडियो को लाइक कर देना, आज मैं ऐसे नहीं बोल रहा पहले की तरह। मैंने देखा है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इसलिए यार वीडियो को लाइक करना इस बार। और अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट गेमिंग एपिसोड में।